अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं अभी जा रही हूँ मार्केट, कुछ मैंने ग्रॉसरी करनी है, मंथली ग्रॉसरी, क्योंकि आगे आपको पता है कि ईद उल अज़हा भी आ रही है और उसके लिए आपको पता है कि एक ही दफ़ा मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, एक ही दिन होता है, तो जिसमें मैंने सारी चीज़ें मंगवा लेनी होती हैं। उनके साथ ही अभी जा रही हूँ मार्केट, बच्चों को मैंने घर छोड़ा है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप देख रहे हैं धूप बहुत ज़्यादा है। तो अभी तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है और अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी पर। तो आगे मैं आपसे शेयर करती हूँ, मैं आपको आके शॉप के ऊपर जो मैंने स्टोर की तो मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लगता लोगों को वीडियो बनाना, इसलिए जो है मैं घर ही जाके दिखाऊंगी आपको कि मैं सारी ग्रॉसरी जो मंथली करती हूँ उसके बाद मैं कैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ, उनको कैसे सेट करके अपने कैबिनेट्स में रखती हूँ ताकि जब भी कोई चीज़ चाहिए हो तो ईज़िली मैं कैसे निकाल लेती हूँ। तो आप मेरे साथ रहिए। तो जी अभी हम लोग मार्केट से वापस आए और सारी शॉपिंग कर ली है और घर आते ही सुभान मेरे प्यारे से बेटे ने हमारे लिए बनाया मिल्क शेक और मिल्क शेक को एंजॉय करेंगे और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, काफ़ी थक गई हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। तो और उसके बाद जो है मैं आगे का आपको दिखाऊँगी। तो प्लीज़ अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अभी जी रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले जो सब्जियाँ वगैरह हैं वो मैं निकालूँगी क्योंकि ज़्यादा देर शॉपर में फिर वो ख़राब हो सकती हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो मैं ये करती हूँ, स्टैंड को अच्छी तरह से जो है मैंने धोने के बाद अच्छी तरह से उसको ड्राई किया और उसके नीचे ये मैंने कुछ कागज़ वगैरह लगा दिए ताकि इनमें से जो थोड़ा बहुत जो है वो गंद वगैरह जो है नीचे ना गिरे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज जो है अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद लगाया और ये जो पुराना था मेरे पास पड़ा हुआ पहले वो सबसे ऊपर वो मैंने रखा था कि मैं इसको पहले यूज़ करके ख़त्म करूँ और उसके बाद सेकंड जो इसका पोर्शन है उसमें ये जो मैंने नया लाया है वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। वॉश करने के बाद ये इनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, थोड़े बहुत जो इनमें कुछ मुझे चाहिए हो तो वो मैं नीचे वाले फ्रीज़ करने के बगैर भी रखती हूँ, लेकिन ज़्यादातर में जो है मेरे टमाटर फ्रीज़ होते हैं क्योंकि पूरे फिर मुझे एक ही दफ़ा मंगवाना हो तो फिर वो ख़राब ना हो, फिर गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए मुझे फ्रीज़ करने पड़ते हैं। और लहसुन को भी जो है मैं पेस्ट बिल्कुल इसका मैं बना के जो है वो नहीं रखती, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसका टेस्ट बहुत ख़राब सा होता है। जितना चाहिए होता है मैं इतना ले लेती हूँ और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं इसको एक ही दफ़ा सारे को छील के फिर सारा डाल के रखूँ, बस मुझे जितना कुकिंग के लिए चाहिए होता है मैं उतना ले लेती हूँ। और उसके बाद ये पोटैटोज़ ये कुछ वॉश करने के बाद अभी हैं तो ये गीले, इनको मैं रात को जो है फ़ैन के नीचे इसी तरह इस पूरे स्टैंड को छोड़ देती हूँ ताकि ड्राई हो जाएँ। और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं सारे जो सामान वगैरह मैं पहले काउंटर टॉप पर लगा देती हूँ ताकि सारी चीज़ें मेरे सामने हों, मुझे पता हो कि कौन सी चीज़ फिर किस जगह जाएगी तो तरतीब के साथ। तो फिर यहाँ पे ये मैं सारी कंटेनर फिल कर देती हूँ। तो कोई भी चीज़ जो है मैं इस तरह बाय नहीं रखती क्योंकि आपको पता है कि आजकल हम जो ये सीज़न चल रहा है इसमें चींटी वगैरह बहुत ज़्यादा किचन में होती हैं,
तो कोई भी चीज़ जो है मैं इस तरह से काउंटर टॉप पे रखती हूँ और गिरी हुई तो फ़ौरन वहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस चीज़ से बड़ा तंग हुई। काफ़ी दफ़ा मैंने काफ़ी टोटके वगैरह भी किए, बहुत सारे मैंने स्प्रे भी किए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि थोड़ा सा भी अगर मेरे काउंटर टॉप पे कोई चीज़ गिरी हो तो फ़ौरन चींटियाँ आ जाती हैं। आप भी कोई मुझे इसका हल बताइए, अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन हो। मैंने जितने भी स्प्रे वगैरह, इतने सारे मैंने स्प्रे यहाँ पे मारे, लेकिन ये कि थोड़ा सा भी अगर कुछ गिरता हो, और मेरा जो आपको पता है किचन का काउंटर टॉप है वो है भी ब्लैक कलर में, इससे भी मैं बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ। उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मुझे ये कलर बिल्कुल भी, देखने में तो खूबसूरत लगता है लेकिन इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जब भी अब मैं किचन में आती हूँ तो इसकी मुझे बार बार जो है क्लीनिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मैं तंग पड़ जाती हूँ। और यहाँ पे ये लोबिया की दाल जो मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट है, और इसमें ये देसी, एक दो किस्म की मिलाती हूँ, एक देसी होती है और एक दूसरी जो होती है पंजाबी जिसको बोलते हैं राजमा, ये वो है। और उसके बाद ये जो है शक्कर, इसको भी मैं इसमें रिफ़िल कर देती हूँ, क्योंकि मीठी चीज़ों पे आपको पता है चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, इसलिए मैं कोई भी चीज़ जो है इस तरह से बाहर नहीं छोड़ती। मैंने बड़े बड़े कंटेनर रखे होते हैं तो मैं सारी चीज़ें रिफ़िल कर लेती हूँ उनके अंदर, क्योंकि मेरे किचन में बहुत ज़्यादा चींटियाँ हैं। हालाँकि मैं सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, फिर भी मुझे समझ नहीं आती कि ये ख़त्म क्यों नहीं होती। और अगर थोड़ी बहुत अगर कोई चीज़ बची हुई हो तो वो छोटे वाले कंटेनर्स में जो है मैं ऐड कर देती हूँ। और सारी चीज़ें मैं निकालती हूँ, बस मुझे जितनी चाहिए होती है मैं उतना ही सामान लाती हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान नहीं लाती, क्योंकि अभी वैसे भी आ गया, आपको पता है कि बरसात का मौसम आ रहा है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाती हैं। तो बस जितना चाहिए होता है, जितना यूज़ करना होता है, बस वही चीज़ मैं लाती हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान ला के मैं नहीं रखती। और अभी ख़ासकर ये जो सावन का बरसात का मौसम आ रहा है, इसमें तो आपको पता है कि चीज़ें इस तरह बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। और उसके बाद ये मैंने कैबिनेट्स के अंदर ही एक मैंने स्टैंड सा इस तरह से पुराना रखा हुआ है, और इसके अंदर में जितने भी मसाले वगैरह होते हैं, फिर ये मैं ये जो आपको पता है कि मसाले, इनको मैं अच्छी तरह से ऊपर से क्लिप लगा के बंद करके तो रखती हूँ, ताकि इनके अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ ना जाए। और बिल्कुल भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सफ़ाई, जितनी ज़्यादा आप अपने किचन में सफ़ाई रखेंगे उतना ज़्यादा जो है हम हर चीज़ जो है आपके बच्चों की हेल्थ के लिए और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहते रहते हैं कि आप 24 घंटे जो है किचन की सफाई में ही लगी रहती हो, इतना ज़्यादा ना किया करो, थोड़ा सा रेस्ट भी किया करो। लेकिन मुझे ये जो है, मैं कहती हूँ कि किचन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा दिन जो है वो आपका किचन में ही गुजरता है। तो इसलिए मैं हर चीज़ को जो है कि कोशिश यही करती हूँ, और ताकि आप कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो और आप इजीली निकाल सकें, ऑर्गेनाइजेशन आप अच्छी करके रखें, अपने किचन को अच्छी तरह से मेंटेन रखें। और क्योंकि आपको पता है कि सभी औरतों का आधे से ज़्यादा दिन तो किचन में ही गुजरता है, और मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं अपने किचन को बिल्कुल साफ़ क्लीन रखूं और हर चीज़ को एक तरतीब के साथ रखूं, ताकि कोई भी चीज़ मुझे चाहिए तो इजीली मुझे मिल सके, उसको ढूंढना ना पड़े, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि आपको पता है कि बच्चों वाली माओं के पास टाइम इतना नहीं होता, तो बस ये कि मैं जल्दी और काफ़ी दिन से मैंने कोई भी रेसिपी आपसे शेयर नहीं की, वो इसकी वजह बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, इस वजह से जो है मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, बच्चों को टाइम देना होता है, उनको स्कूल से पिक ड्रॉप का मसला भी होता है, लाना होता है, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं जो है जो कोई भी रेसिपी बना रही हूँ तो उसकी वीडियो बना लूँ। तो कोशिश यही कर रही हूँ कि जो है व्लॉग आपसे शेयर करूँ। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर करके बताइए कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। और इस तरह से ये मैंने स्टैंड रखा हुआ है, इसमें सारे जो है मैंने मसाले वगैरह सारे इसके अंदर आके, नूडल्स, बिस्किट्स, ये जितने भी कंटेनर्स मैंने फ़िल किए हैं ये सारे मैं इसके अंदर रख देती हूँ, इससे मेरी कम स्पेस में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। आप भी इसी तरह से किया करें और अपने किचन को मेंटेन अच्छी तरह से, मतलब अगर आपके पास स्पेस कम हो तो आप इस तरह के आइडिया ज़रूर ले सकते हैं। और उसके बाद ये बाकी जो स्पाइसेस वगैरह हैं ये मैं बिल्कुल अपने करीब रखती हूँ, ताकि
जब भी मुझे कोई कुकिंग आसानी से मैं यहाँ से ले सकूँ। और यहाँ पे मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा आपको किचन में ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करने का तरीका कैसा लगता है। और ये स्पाइसेस वगैरह, बाकी सॉसेस वगैरह, ये जो है सारे मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बाहर मेरे किचन में जो चूंटियों वाला मसला है, इस पर भी आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि इसका मैं क्या हल करूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जो है सारे तरीके करके जो है ना थक चुकी हूँ। और देखें, मैंने किचन काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन कर दिया, सारा सामान जो अपनी जगह पर सेट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, तो इंशाल्लाह दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।